नमस्कार दोस्तों, ससी मिश्रा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ पनीर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी क्लिक करना ताकि मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिया है बासमती चावल 1 कप और ये है पनीर। पानी लेंगे हम 1 कप चावल है तो 2 कप पानी डालेंगे, अगर 2 कप चावल है तो 4 कप पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर पानी भी ले लिया है। प्याज है बिल्कुल बारीक कटे हुए, गाजर, बीन्स, हरी मटर, धनिया, पुदीना और मैरिनेट करने के लिए, अगर आपको मैरिनेट नहीं करना है तो ऐसे गोल्डन ब्राउन केवल पनीर फ्राई कर ले, लेकिन मैं यहाँ पर मैरिनेट करूँगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मसालों को लिया है नमक, देगी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, ओरिगैनो और हम जब डालेंगे पुलाव में तो उसके लिए यहाँ पर नमक, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और ये है जावित्री का फूल। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर को आप चाहें तो ऐसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मसालों को डालकर अच्छे से कोट कर लूँगी। मिर्च, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, यह है ओरिगैनो और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। अब पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर और डालेंगे इसमें तेल या रिफाइन जो भी डालें, देसी घी, बटर, किसी में भी इसे गोल्डन फ्राई कर सकते हैं। गरम होने दें तेल को, तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम एक एक उठाकर पनीर के पीसेस को इसके अंदर डालेंगे और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हमें इसे लो फ्लेम पर सेलो फ्राई कर लेना है। और एक साइड से हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। जब ये अच्छे से सीख जाएगा तो हम दूसरी तरफ से इसे फिर दोबारा पलट देंगे, इसी तरफ से इसे पलट देंगे। ऐसे ही हम सारे पनीर को दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरफ से भी मैंने इसे पलट दिया था, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हमें एक प्लेट में निकाल कर रख लेना है। पनीर प्लेट में निकाल लिया मैंने, इसे अब साइड में रखेंगे। गैस ऑन करेंगे, रखेंगे पतीला। अगर कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में 2 सीटी दिलाइए। पतीले में या किसी कढ़ाई में या किसी बड़े बर्तन भगोने वगैरह में बना रहे हैं तो 15 से 20 मिनट लगते हैं लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैंने बर्तन रख लिया है। हम इसमें डालेंगे देसी घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। डालेंगे बड़ी इलायची, इसे थोड़ा सा कूट दें। दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और ये है चकरी का फूल। जब भी बिरयानी बनाए या पुलाव बनाए चकरी का फूल जरूर डालें। तो ये अच्छे से ब्राउन हो गया है। जीरा डालेंगे, गाजर, अगर गाजर उबली हुई है तो बाद में डालें, प्याज भुनने के बाद। उबली नहीं है, कच्ची है तो पहले डालें। तो मेरी भी कच्ची है। मटर, गाजर और बीन्स से डालेंगे, अच्छे से इसे हमें भून लेना है। अब नमक भी डाल देंगे साथ में ताकि जो सब्जियां हैं अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। प्याज इसे हमें ढक देना है, 2 से 3 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। पत्ता डालना भूल गई थी तो अलग से मैंने देसी घी में अच्छे से इसे रोस्ट कर लिया है। तेज पत्ता डालना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप नहीं खाते तो आप नहीं डालें। हरी मिर्च डालेंगे 2, आप डालेंगे चावल
और इसे अच्छे से चलाएंगे। हमें एक मिनट इसे अच्छे से भूनना है बिना पानी डाले। अब डालेंगे पनीर और अच्छे से इसे मिक्स करें ताकि जो पनीर है चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए। बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे, पुदीने के पत्ते, अब डालेंगे पानी। पहले हम इसे बिना ढके हाई फ्लेम पे उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा, एक से दो उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम लो फ्लेम पर इसे ढककर 10 से 12 मिनट अच्छे से पका लेंगे। पानी अंदर चला गया है, अब इसे हमें ढककर लो फ्लेम पर 7 से 8 या 10 मिनट तक और पका लेना है। आप देख लें आपका टाइम कितना लग रहा है, आप उसके हिसाब से आप चावल बनाएं। तो इसे 7 से 8 मिनट के लिए मैं यहाँ ढक कर फ्लेम ऑफ कम कर दे रही हूँ। लेते हैं पुलाव। तो पुलाव बिल्कुल रेडी है, गैस ऑफ करेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो चलिए पनीर पुलाव रेडी है, मैंने इसे सर्व कर दिया है। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।